अगला सवाल है जनार्दन सिंह का, मैं साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मेरे पास पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का 200 से आ रहे हैं, हाँ 566 का खरीदी है, इसे 1 से 1.5 साल का व्यू है मेरा। ओके सरवन जी, 1 से 1.5 साल का नजरिया, पारस डिफेंस 566 की बाइंग। नहीं सर, 1-1.5 साल का नजरिया तो ये मांग रहे हैं, बट इसके चार्ट ही मुश्किल से 1.5-2 साल के बने हैं, तो उसपे 1-1.5 साल के चार्ट पे 1-1.5 साल का नजरिया नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट टर्म देता हूँ इनको 1 से 3 महीने के लिए। स्टॉक को अच्छे सपोर्ट्स हैं तकरीबन 480-500 के रेंज में, और मुझे लगता नहीं कि वो रेंज टूटेगी, तो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज के ऊपर कहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, और ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि कहीं 575-580 के लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 से 3 महीने में। तो आई थिंक प्योरली फ्रॉम एक शॉर्ट टर्म एंगल से 480-500 के सपोर्ट्स और 580 के टारगेट्स। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने के लिए 580 के टारगेट अचीव हो सकते हैं पारस डिफेंस में, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। सरवन जी, एक और डिफेंस की कंपनी है, बीरेश्वर का जानना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 3100 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन है 35 रुपये की, जानना चाहते हैं कि 80-90 रुपये होगा ये। देखिए दिन कम है, लेकिन अभी अभी थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ये, बट दिन जो है इसमें है, तो मेरे हिसाब से मान के चलूँ 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते में डेफिनेटली उस एरियाज में पहुंचेगा, पहुंच सकता है उन एरियाज में, बट बहुत ज्यादा इन द मनी कितना जा पाएगा, उनके कितने पैसे बनेंगे वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उन एरियाज का 3100-3125 के आसपास के टारगेट्स मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में यहाँ पहुंच सकता है, तो इन द मनी तो हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट ऑप्शन का प्राइस उस समय क्या होगा ये तो उस समय देखना पड़ेगा। ओके सर्वेंद्र, एक और सवाल ले लेते हैं। राजेश गुप्ता जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार नीरज जी, जी मेरे नमस्कार। पास IDFC फर्स्ट बैंक है 53,000, ओके ये 65 रुपए में खरीदे हैं, तो इसका सर फ्यूचर क्या है? 53,000 शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक, इसको सही कर लीजिए, 50 लिखा आपने, 53,000, 65 रुपये में लिए आपने, 65 रुपए कब लिए थे, कितने दिन पहले? कुछ लिए थे 2 साल पहले, जब हाँ ये 66 रुपए 67 रुपए गया था टॉप पे, हाँ और कुछ अभी लिए हैं 65 रुपए में। बिल्कुल करीबी मामला है। सर्वेन जी क्या किया जाए, 65 रुपये IDFC बैंक की बाइंग है इनकी, क्वांटिटी ठीक ठाक बड़ी ले रखी इन्होंने, क्या करना चाहिए जी इनको? नहीं, बड़े अपने शहर वाले हैं, बिल्कुल आई थिंक ट्रेड इनका ठीक है फिलहाल, और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो शायद पैसे इनके बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकते हैं, बट हमेशा नजर ये भी रखनी है कि भाई किन एरियाज के आसपास अच्छे सपोर्ट है और कहाँ पे सेटल बिगड़ सकते हैं, तो आई थिंक अगर इनको 12-18 महीने प्लस के लिए अगर ये स्टॉक रखना है, तो इनको एक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 से 20% का एक लीवे, एक स्टॉप लॉस जो ये होता है, उतना उतना इनको रिस्क लेके चलना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से फिर 54 के नीचे अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि 54 के नीचे जाके ये बंद करेगा नेक्स्ट 3-6 महीनों में, और ऊपर के रुझान रहेंगे, तो एज लॉन्ग एज वो लेवल्स होल्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक इनके पास रिसोर्स अच्छा है, और मुझे लगता है ऊपर में 85-90 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे, तो एक 1:2 या 1:2 से थोड़ा ज्यादा एक बढ़िया रिसोर्स इनके लिए बना हुआ है, 9 से 12 महीने में आई थिंक डिसेंट पैसे इनके यहाँ पे बन सकते, तो नौ ट्रेड पे बने रहे। से 12 महीने में राजेश जी अच्छे पैसे बन सकते हैं आप, लेकिन 54 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, जी उस पे आप होल्ड करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।